मां की प्रेरणा ने प्रियंका को जज बना दिया है। प्रियंका की इस सफलता से पूरा परिवार खुश है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं बाकी लड़कियों को भी प्रियंका से सीखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो जाता है। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ सर। मैंने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया है। दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में है, अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुए, कल रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट। तो मार्कशीट उसमें मार्क्स और जो रैंक है मेरिट लिस्ट वो निकली है, उसमें मैंने 59 रैंक्स को। तो कितनी मेहनत लगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ आप तैयारी थी? सर मेहनत काफ़ी लगती है, आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं या जो भी हैं, आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है सर। आपका जो प्रोसीजर है, आपका जो दिनचर्या है आपकी, वो ऐसी होती है कि आप सुबह उठते हैं और शाम तक आप पढ़ते हैं, उसको कवर अप करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं जितने। और सर लो मेरा पैशन था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं सारा टाइम पढ़ती थी अच्छे से, और मेरे को अच्छा लगता था, मुझे बर्डन कभी फील नहीं हुआ पढ़ाई करने का। किस तरह से सफर रहा आपका? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ, भाई बहन का प्यार था, दोस्त थे जो साथ में खड़े थे, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सब हुआ। और आज सफलता मिली है तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब साथ में है, जिनके कारण मैं यहाँ पहुँची हूँ, उनका सपोर्ट है यहाँ पे है मेरे साथ। किसे अपना जो है इसको प्रेरणा सूत्र मानते हैं? मेरा प्रेरणा जो है मेरी मम्मी है। वो हमेशा कहती है, हमेशा कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाई, अगर मैं और पढ़ पाती तो मैं कुछ कर लेती। तो उन्होंने हमेशा बोला कि आप पढ़ो और कुछ बनो। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है एक माँ के लिए और बेटी के लिए भी, कि हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और मुझे हमेशा इंस्पायर किया कुछ बड़ा करने के लिए। पापा के साथ साथ मम्मी का बड़ा सपोर्ट रहा, और पापा ने तो हमेशा बस बेटा कोई बात नहीं, तू पढ़ ले बेटा। किस तरह रहेगा, क्योंकि जज एक अहम होते हैं, फैसले काफी सुनाते हैं, किस तरह रहेगी आप, क्या कुछ न्याय दिलाएंगे? फिलहाल तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे ये मौका मिला है कि मैं एक जज की कुर्सी पे बैठूँ, तो मैं जो भी निर्णय करूँ वो सच्चाई के साथ जस्टिस करने की कोशिश करूँ जितना पॉसिबल हो, किसी को दुख ना पहुँचे, मैं गलत डिसीजन ना लूँ। मैं ऐसा जरूर कोशिश करूँगी कि मैं इस स्टेज पे पहुँच के ऐसा कोई डिसीजन ना लूँ जो गलत हो, अपनी कलम के साथ न्याय करने की कोशिश। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रियंका। पुलिस डिपार्टमेंट को तो पता ही है, कितने कोर्टों के अंदर जा करके मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होते हैं, हर प्रकार के किसी भी मुकदमे में कुछ बात करनी हो, कोई बातचीत, कोई गवाही देनी हो, उसके लिए जैसे विधायक जी ने कहा है कि सर्वप्रथम घर के अंदर जो माहौल है वो उल्टी पैदा करती है। हमारी तो ड्यूटी जैसे ज़्यादातर VIP के साथ रही है, मैं कमांडो में भर्ती हुआ था, उसके बाद इंस्पेक्टर बना, फिर जिले में लगे, हमने बहुत ड्यूटियाँ करी हैं। लेकिन बेटी को मैंने सर्वप्रथम सबसे आगे रखा है। मेरे दो बेटी पहले हुई थी, बड़ी खुशी हुई मुझे उनकी, उसमें कोई वो नहीं, उनके पढ़ाने में लिखाने में बिल्कुल। तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं सर? बहुत ज़्यादा खुशी है, कोई ठिकाना नहीं है खुशी का। और जैसे विधायक जी ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई उसके बच्चे पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पर लगते हैं तो उसका कोई ठिकाना नहीं। मेरी बेटी ना तो बहुत मेहनत कर रही, सारी रात पढ़िया करे 18-18 घंटे, और बस मैं अपनी बेटियों के साथ खड़ी रही, उनको सहारा बनी रही। जैसे भी उन्होंने मेरे साथ सहयोग मांगा, मैंने वैसे ही उनको सहयोग दिया, और मैं चाहती हूँ सभी अपनी बेटियों को ऐसे ही पढ़ाएं, ऐसे ही सहयोग दें, और एक दिन बड़े मुकाम पर पहुँच कर बेटियाँ बढ़ाई नाम रोशन करें सारे परिवार का। तो दो बेटियां आपकी, किस तरह का स्वभाव था जो बेटी जज बनी है? इसका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, ये तो एक देवी मूर्ति के समान है, देवी मूर्ति के समान, जैसे देवी माँ है, इसका स्वभाव तो बहुत अच्छा है। तो कोई बचपन की ऐसी बातें याद हो आपको, कोई क्या कुछ सपना था? बस शुरू से इसका सपना यही था कि कुछ बनना है, और मैं अपनी जिंदगी में अपने सफर में कुछ कर नहीं पाई, क्यों छोटी उम्र में शादी हो गई थी मेरी, और फिर मैं आगे पढ़ नहीं पाई, इसीलिए मैंने चाहा मैं अपनी बेटियां खड़ा करूँ।
उनकी जिंदगी सफल कर। तो किस तरह का लग रहा है, बधाई देने वालों को ताता लगा हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरी बेटी नामा बहुत उनसे खड़े कर दिए, चौड़ा सीना कर दिया हमारा। तो अब क्या समझाएंगी, क्योंकि काफी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बेटी को क्या प्रेरणा देंगे? बस प्रेरणा तो ये हमारे को खुद ही दे दा, इतने बहुत सारी अकल है इसके अंदर। बचपन से मेरी बड़ी बहन जो है मेरी इंस्पिरेशन रही है, मेरे छोटे भाई की भी इंस्पिरेशन मेरी बहन ही रही है। हम लोगों ने उसे देख के ही अपनी पढ़ाई की है, कि जिस तरीके से वो सिंसियर रही है उसी तरीके से हम लोगों ने भी कोशिश की है कि हम लोग उसी तरीके से पढ़ाई करें और उसको फॉलो करें, और वो हमेशा हमें अच्छा गाइडेंस देती है। तो वैसे ही हम लोग उसको देख के आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर, और अब वो उसने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया अपनी लाइफ में, तो हम सब बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है। हम लोग कल से ही ऐसे सेलिब्रेट करें जैसे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो या दिवाली की सेलिब्रेशन हो। तो लोग आ रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, आपको किस तरह लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल रात से मेरे पापा के फोन बजने बंद नहीं हुए हैं, मेरे दोस्त मेरे को बधाई दे रहे हैं, मम्मी के रिलेटिव, पापा के रिलेटिव, सबके फोन आ रहे हैं। सब लोग बहुत खुश हैं मेरी बहन की इतनी अचीवमेंट से, हम लोग भी बहुत खुश हैं। तो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं क्या? मैं सीए कर रही हूँ, सीए फाइनल लेवल के एग्जाम्स है मेरे इस साल, और उसके बाद मैं भी सीए बन जाऊंगी। मैं तो ये कहता हूँ, खुशी का तो कोई ठिकाना है नहीं, मेरा नहीं सारे परिवार का लाल है, और जिस गांव से भी है वहाँ भी आज की तरह खुशी का माहौल होगा। और वैसे गुरु ब्रह्मानंद जी का गांव है, उनके गुरु की कृपा से, और इसमें ज़्यादातर जो सहयोग है माँ बाप को होता है, माँ बाप के संस्कार। मैं अब भी कह रहा था, अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन अधिकारी को कर्मचारी को बहुत समय कम मिलता है अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, क्यों 24 घंटे देश की सेवा में पब्लिक सेवा में रहते हैं। इसमें मैं ज़्यादातर प्रियंका की माता श्री को श्रेय देता हूँ भी, जिन्होंने यहाँ बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दिए, पढ़ाई दी। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, पूरा नीलोखेड़ी हल्का की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।